मुताबिक मेयर कराची के घर का सफाया करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही मुलाजिम निकले। वसीम अख्तर के घर पर 9 मार्च को डकैती की वारदात हुई थी। डकैती में मुलव्वस साबिक पुलिस ऑफिसर के बेटे और बहू को पुलिस ने धर लिया। मरकजी मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के घर डिफेंस फेज 6 में 9 मार्च को डकैती की वारदात हुई। वारदात का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कराया गया। डकैती के वक्त वसीम अख्तर और उनके अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर सिर्फ साबिक मेयर की सास मौजूद थी। वसीम अख्तर की सास के मुताबिक घरेलू मुलाजिम दिनेश और सामान गायब था। मुकदमे के मुताबिक बंगले से 34 तोला सोने की 18 चूड़ियां और 2 टॉप्स चोरी हुए। एक डायमंड का सेट चोरी हुआ। डायमंड की अंगूठी समेत दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। तफ्तीशी टीम चोरीशुदा माल की बरामदगी के लिए अंदरूनी सिंध पहुंची। मुलजिमान ने चोरीशुदा सोना बेचकर गाड़ी खरीद ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि चोरी में मुलविस साबिक पुलिस ऑफिसर अताउल्ला, उसका बेटा और बहू निमरा गिरफ्तार है, जबकि मरकजी मुलजिम दिनेश पुलिस की गिरफ्त में न आ सका।